टी20 वर्ल्ड कप शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस चोट की वजह से टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच आयरलैंड के खिलाफ मैच के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से फील्डिंग करने मैदान पर नहीं उतरे। फिंच ने आयरलैंड के खिलाफ 44 गेंद में 63 रनों की पारी खेली, लेकिन अपनी पारी के आखिरी हिस्से के दौरान उन्हें विकेटों के बीच दौड़ लगाते हुए परेशानी में देखा गया। उनकी पारी से ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 189 रन का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आयरलैंड की पूरी टीम 18.1 ओवर में 137 रनों पर ढेर हो गई। फिंच ने मैच के बाद कहा, कल मैं स्कैन के लिए जाऊंगा, पहले भी मैं इससे परेशान रहा हूँ। स्थिति समय खराब नहीं दिखती, लेकिन देखते हैं कि स्कैन में क्या पता चलता है। फिंच के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर टिम डेविड भी आयरलैंड की पूरी पारी के दौरान मैदान से बाहर रहे, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने बताया कि उन्हें जकड़न की समस्या थी और एहतियात के तौर पर वो फील्डिंग के लिए मैदान पर नहीं उतरे। फिंच को अपनी 63 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि ये एक मुश्किल विकेट था, लेकिन उन्हें खुशी है कि टीम अच्छा स्कोर बना सकी। उन्होंने कहा, ये एक अच्छा प्रदर्शन था, उस विकेट पर 180 रन अच्छा स्कोर था। हमें पता था कि हमें नींव जल्दी रखनी है और 4-5 विकेट गंवाने का जोखिम नहीं ले सकते। मैच के बाद जब आयरलैंड के कप्तान एंडी बालबर्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, तो उन्होंने अपने विकेट कीपर लोकन टकर की 48 गेंद में 71 रनों की पारी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, हमने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन कुछ ओवर हमारे अनुकूल नहीं रहे और निश्चित रूप से बल्ले से अच्छी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अंत में चुनौती देना अच्छा था। स्कोरबोर्ड को देखते हुए हमने सोचा कि ये हमारे खिलाफ नहीं था, फिर से विकेट नहीं चटका पाना एक समस्या है, लेकिन क्या पता अगर कोई टक्कर का साथ दे देता तो क्या होता। उसके लिए विश्व कप अच्छा रहा और यहाँ के विकेट उसके अनुकूल है।